जमात पंजुम स्कॉलरशिप महाराष्ट्र के रहनी आजमाइश के आज के वीडियो में मैं आपका खैर मकदम करता हूं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है, आप उसे ज़रूर सॉल्व कीजिए। यही देखते हैं रहनी आजमाइश का आज का हमारा मौजू। आज का हमारा मौजू है तरतीब पहचानना, नंबर दो शक्लों के सिलसिले। हमेशा याद रखिए, देखिए ये चार नुकात है जो आप हमेशा याद रखिए। नुकता नंबर एक, अशकाल के सिलसिले का मुशाहिदा करते वक्त शक्लों में हकीकी मानी में क्या तब्दीली हो रही है, इस तब्दीली को जहन नशीन कीजिए। नहीं, जब भी आप शक्लों का मुशाहिदा करेंगे तो शक्लों में हकीकी मानों में क्या तब्दीली हो रही है, इस तब्दीली को आपको जहन में रखना है। पॉइंट नंबर दो, मुशाहिदा कीजिए कि शक्ल में हिस्सों की, जावियों की, खतूत की या अलामतों की तादाद बढ़ रही है या घट रही है। शक्लों में जो भी चीज़ें दी गई है, जैसे कुछ हिस्से दिए जाते हैं, कुछ जाविये दिए जाते हैं, खतूत दिए जाते हैं या अलामतें दी जाती हैं, तो इनकी तादाद घट रही है या बढ़ रही है, यह अभी आपको मुशाहिदा करना है। नुक्ता नंबर तीन है, अलामतों के मुकाम क्या आगे पीछे हो रहा है, जो अलामतों के मुकाम दिए गए क्या वो आगे पीछे हो रहे हैं, आपको वो भी जहन में रखना है। और नुक्ता नंबर चार है, शक्ल की सातदार यानी क्लॉकवाइज या गैर सातदार यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमने का मुशाहिदा कीजिए। यानी हमारी घड़ी के कांटे जिस सिमत में घूमते हैं वो सातदार सिमत, और घड़ी के मुखालिफ सिमत में जो कांटे घूमते हैं उसे गैर सातदार सिमत यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज शक्लों के घूमने का भी मुशाहिदा कीजिए। चलिए देखते हैं कुछ मिसालें। मिसाल नंबर एक है, मुंदरिज़ैल शक्लों का मुशाहिदा कीजिए और सवालिया निशान की जगह कौन सी शक्ल आएंगी इसे पहचानिए। देखिए यहाँ पे चार शक्लें दी गई है, एक दो तीन और चार, इनका मुशाहिदा कीजिए और यहाँ से एक सही शक्ल हमें ढूंढ के यहाँ सवालिया निशान की जगह पे पहचानना है कौन सी आएंगी। तो देखिए हमारी पहली शक्ल यहाँ से शुरू हो रही है, इस तरह है। देखिए बिल्कुल मैंने अभी जो आपके सामने लाया डिस्प्ले किया, ये शक्ल इस तरह यहाँ पे है। उसके बाद शक्ल किस तरह घूमी, देखिए ये घड़ी की सिमत में घूम रही है इस तरह, फिर इस तरह हुई, फिर इस तरह हुई और यहाँ पे आके रुकेंगी। यानी ये शक्ल घड़ी की सिमत में घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, तो लास्ट यहाँ पे जो शक्ल आएंगी वो इस तरह आना चाहिए और ये हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर एक पर है। तो हम क्या करेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर एक फिल करेंगे, हमारा ये सही जवाब है। मिसाल नंबर दो देखेंगे, मुंदरिजा ज़ैल शक्लों का मुशाहिदा कीजिए और सवालिया निशान की जगह पर कौन सी शक्ल आएंगी इसे पहचानिए। देखिए यहाँ पे ये शक्लें दी गई है चार, इनका मुशाहिदा करना है और ये एक दो तीन चार में से हमें सही जवाब यहाँ पे ढूंढना है, यहाँ पे कौन सा आएगा। तो अगर आप बगौर मुशाहिदा करेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर ये लाइट का खंबा है तो यहाँ पे एक लाइट लगा हुआ है, यहाँ पे दो लाइट लगे हुए हैं, यहाँ पे तीन लाइट लगे हुए हैं, बाद चार लाइट लगे हुए हैं, उसके बाद कितनी लाइट आना चाहिए, जाहिर सी बात है एक दो तीन चार पाँच आना चाहिए। यहाँ पे कितने हैं, चार है, यहाँ पे छः हो गए, ऑप्शन नंबर दो में पांच लाइट है, एक दो तीन चार पाँच, तो हमारा ऑप्शन नंबर दो सही रहेगा, उसे हम फिल करेंगे, यही जवाब है। अगली मिसाल है, मुंदरिज़ैल शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और सवाले निशान की जगह पे कौन सी शक्ल आएंगी इसे पहचानिए। देखिए यहाँ पे ये शक्लें दी गई है और ऑप्शन में से सही शक्ल ढूंढना है। तो यहाँ देखिए ये एक तय है, यहाँ पे एक जाविया है, यहाँ पे एक मुसल्लस है और यहाँ पे एक चौकोन है। यानी ये एक ज़िला, दो ज़िले, तीन ज़िले, चार ज़िले, उसके बाद डेफिनेटली पांच ज़िले। पांच ज़िले कहाँ हैं हमारे पास, कि ऑप्शन नंबर तीन में हमारे पास पांच ज़िले हैं, तो उसे हम ऑप्शन नंबर तीन को फिल करेंगे। इस तरह के सवाल आते हैं निशानी सिलसिले में। उसके बाद से अगला वीडियो रहेगा इंशाल्लाह तरतीब पहचानना में तीन नंबर का, अलामतों के सिलसिले। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है, आप उसे ज़रूर सॉल्व कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।